पापा को उंगली पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। अरे है मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर निसी बाला के यहाँ मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ बड़ी माँ है, कन्हैया है, पापा जी हैं एंड बड़े पापा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्रणाम सलाम केम छो एंड भोजपुरी में बोले तो कैसे बानी दो सब। हे गाइस, अभी का सीन ये है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और अभी का सीन बताता हूँ कि अभी का सीन क्या है। ये है कि अभी हम लोग मुजफ्फरपुर निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, पापा जी जा रहे हैं, बड़ी माँ जा रही है एंड बड़े पापा जा रहे हैं। एंड अभी का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। कल भाभी गई हुई थी, भाभी को कल लेवर पेन था तो डॉक्टर ने मे बी अभी जस्ट बोला है कि उनका ऑपरेशन करना है। कल गई थी बट डॉक्टर ने कल बोला कि 4 दिन के बाद ऑपरेशन होगा। अभी हम लोग मेडिसिन देंगे एंड चेक करेंगे कि पेन शायद कम जाए, क्योंकि बेबी आने का डेट अभी नहीं हुआ था। बेबी का डेट डॉक्टर ने दिया था 1 तारीख को और उसमें लगभग अभी 15 से 16 दिन कम है। तो डॉक्टर ने बोला था कि मे बी रिस्क हो सकता है जल्दी से बेबी को बाहर निकालना, बट पेन इतना ज़्यादा होने लगा कि डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना होगा। और इसके वजह से अभी मैं निकल रहा हूँ मुजफ्फरपुर के लिए। तो फिलहाल मैं रेडी होने जा रहा हूँ, पापा जी भी रेडी हो रहे हैं, तो फिलहाल मैं रेडी होने के बाद मिलता हूँ। बाकी पूजा बताएंगे आपको। Hey guys, तो अभी मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ एंड फैमिली के सारे मेंबर कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि घर में एक बच्चा आता है तो बहुत बहुत ज़्यादा घर में खुशी होती है। और सच में मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बेबी को देखने के लिए और सभी ज़्यादा एक्साइटेड है, पर मैं नहीं जा रही हूँ, ये जा रहे हैं अभी और पापा जी जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है वो ये दिखा देंगे। तो प्यारा सा बच्चा आने वाला है और बच्चे की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है और मैं इतना एक्साइटेड अपने टाइम में तो नहीं थी, क्योंकि जब अपना बेबी होने वाला होता है तो आदमी परेशान रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें, एक्साइटेड और वो खुशी वाली फीलिंग भाग जाती है, सिर्फ दर्द और बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी एक्साइटमेंट मतलब ऐसा सबका रहा होगा, जब बीवी जब शिवांश आया होगा तो सबका एक्साइटमेंट ऐसा ही रहा होगा जैसा अभी मेरा है बीवी को देखने के लिए कि हाँ, और वो भी क्या आएगी, लड़का आएगा या लड़की है। वैसे मैं हमारी भाभी को चाहिए गर्ल, बट पता नहीं कि गर्ल आती है या बॉय आती है, पर दोनों जो भी हैं वो अच्छे होंगे। वैसे शिवांश की बहन आने वाली है या शिवांश का भाई आने वाला है और ये थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और अभी शिवांश दादी के पास है, मम्मी नीचे थी तो मैं शिवांश को दादी के मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था कि 1 अगस्त को होगा, मतलब 1 अगस्त तक ऑपरेशन हम करेंगे, या आप अपनी मर्जी से 2-3 दिन आगे पीछे कर सकते हो, बट इतनी जल्दी बेबी आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और सेम ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, है ना, सेम ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि शिवांश का डेट भी था 11 को, 11 फरवरी को, तो वो आ गया 22 जनवरी को, उसको भी जल्दी आना था, वो भी जल्दी आ गया और ये बेबी भी जल्दी आ रहा है ना, ये बेबी को कुछ ज्यादा जल्दी आने की, तो ये भी जल्दी जल्दी आ रहा है। जा रहे हैं पापा, जा रहे हैं, बट अभी कंफर्म नहीं है कि भाई आने वाली है, बहन आने वाली है। शिवांश क्या आने वाला है, भाई या बहन? उंगली पकड़ो, ये वाला उंगली भाई का, ये वाला बहन का, कौन पकड़ेगा? ये भाई, हाँ, ये बहन, हाँ, पकड़ दो बेटा, उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पापा को उंगली पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, उंगली पकड़ो ना यार, बेटू उंगली दिखाई है तुम्हें, बहन बहन दोनों पकड़ लिया, दोनों पकड़ लिया, दोनों आने, इस वाले हाथ से इधर, ट्विंस ट्विंस है क्या, ट्विंस है क्या? तो नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम चलते हैं शिवांश के भाई, हम चलते हैं शिवांश के छोटे भाई या छोटे बहन को लेके आते हैं जल्दी से। तो फिलहाल चलते हैं, मतलब लेके जल्दी नहीं आ पाएंगे क्योंकि ऑपरेशन से बेबी होने वाला है, तो इसमें हॉस्पिटल में काफी लंबा टाइम रहना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग कल परसों जाएंगे, हम पूरी फैमिली हम लोग चलेंगे वहाँ देखने, ठीक है? ओके एवरीवन, तो अभी हम निकलने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास मेरे पर्स छूट गए हैं मेरे शॉप पे, तो फिलहाल यहाँ बीवी से पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ पैसे दे दो, मेरे पास नहीं है, दे 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 दे, कुछ भी दे दो, थोड़ा सा थोड़ा सा, बेटा कट जाएगा, देखो कहाँ आ गया, देखो देखो कहाँ आ गया, पूजा कौन, तेरा
Hey guys, तो हम लोग निकल पड़े हैं मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर निसीबाला के यहाँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ बड़ी माँ है, कन्हैया है, पापा जी हैं एंड बड़े पापा, सभी लोग जा रहे हैं। और अभी जस्ट हम लोग रेलवे गुमटी के पास पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर में, और यहाँ हमें वेट करना पड़ रहा है सेम पूजा की तरह। पूजा में भी हमें काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा था हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का नहीं, ट्रेन का। तो अब वेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो फाइनली अभी हम डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं एंड अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और जस्ट हमने अपना यहाँ पे कार पार्क कर दिया, बहुत कंजेस्टेड जगह है, तो कार पार्क करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एंड चलते हैं ऊपर। एंड जैसे मैं यहाँ पहुँचा, उससे पहले भाभी को ऑपरेशन रूम में लेके जा चुका है, तो चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं क्या माहौल है ऊपर। ठीक है गाइस, तो अभी हमने यहाँ पे पानी लिया है। और कन्हैया क्या है तुम्हारे हाथ में? चॉकलेट। तो यहाँ पे चॉकलेट है, कुछ स्नैक्स हैं बाबू के लिए, लेके चलते हैं आर्था गॉड समृद्धि के लिए। अभी उन्होंने बता ले ये लड़का है लड़का। बड़ा शांत तो मंत्र ना पड़ जाता। हम पहले ही बोले थे कि लड़की आई है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आए हैं, लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आए, देखो आओ चोचो आया है, देखो आओ चोचो आया है, देखो आओ चोचो आया। क्या हुआ मतलब, क्या हुआ सिद्धि को कथी, क्या बोले, झूठ बोल रहे हैं मतलब? सर सर ये हर तक चॉकलेट क्या है, चॉकलेट आपका? चलो घर चलो, के घर शिवांश बुला रहा है, चलो। मैं तो बउआ के वहाँ क्या लेके भी जा रहा है, देखा ना डॉक्टर के बच्चा का, यहाँ बच्चा का डॉक्टर नहीं है ना? केजरीवाल में यही सुविधा बड़ा अच्छा लगता है भैया। आप आगे बोल, तो हमें आना पड़ रहा है केजरीवाल हॉस्पिटल। एक्चुअली बाबू को जस्ट अभी यहाँ डॉक्टर ने बोला है आने के लिए, और अभी जस्ट हम लेके गए हैं बाबू को। और क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड वार्ड है, बच्चे वार्ड है, तो यहाँ पे हमें दिखाना होगा बाबू को। तो चलते हैं अंदर एंड दिखा के आते हैं जल्दी से बाबू को। ठीक है गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, बिकॉज यहाँ पे बच्चे के डॉक्टर हैं केजरीवाल हॉस्पिटल में, फिर बच्चे के डॉक्टर यहीं ऑल टाइम बैठते हैं 24 घंटे भी, इस कारण से हमें ऊपर आना पड़ा है केजरीवाल में फिर से ले गए। हेलो, सही जगह क्या, बच्चा शांत हो गया।
हे गाइस, तो फिलहाल अब हम चलते हैं एंड यहाँ पे बाबू का जांच हो चुका है, जो भी अंदर से पानी वगैरह न्यू बेबी होता है तो नीचे से अंदर से पानी निकालना होता है पेट वगैरह से, तो वो सभी कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम फिर बाबू को केजरीवाल हॉस्पिटल से लेके जा रहे हैं वहाँ पे नीसी वाला के पास, तो चलते हैं वहाँ पे, फिर मिलते हैं। हो गया, चलिए चलिए। खाली पानी है निकाला ना, तो सुइया को चला ये पसी में फिटनेस करने दिया होगा, देख लिया कथी कथी दवाई सब लिखल है कौन कौन है खाए वाला। प्यास लगा है तो तनका तो रुकिए, प्यास लगा है।